बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फरवरी 2018 को शॉमी ने इंडिया में लॉन्च किया था रेडमी नोट 5 प्रो को, और नवंबर 2018 को शॉमी ने लॉन्च किया था रेडमी नोट 6 प्रो को। मतलब कि 9 महीने के इंटरवल में शॉमी ने रेडमी नोट 5 प्रो को अपग्रेड किया है रेडमी नोट 6 प्रो में। तो आइए देखते हैं कि आपको इस अपग्रेड में क्या नया मिलता है। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं BCD Tech YouTube चैनल को। अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। शुरुआत करते हैं डिजाइन और लुक से। तो डिजाइन और लुक में दोनों फोन लगभग सिमिलर हैं। बस दोस्तों, आपको Redmi Note 6 Pro के अंदर एक नॉच मिल जाती है और बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है, जबकि Redmi Note 5 Pro के अंदर ऊपर और नीचे की साइड को बेजल है और इसी बेजल के ऊपर सारे सेंसर्स हैं। पीछे से देखा जाए तो दोस्तों दोनों फोन का डिजाइन लगभग सिमिलर है। सिमिलर आपको रियर कैमरे की लेआउट मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट सेंसर की लेआउट मिल जाएगी, और साथ में जो यहाँ पर लोगो है वो भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बैक पैनल भी आपका लगभग सेम है। बस दोस्तों, आपको Redmi Note 6 Pro में थोड़ा सा कर्वेचर ज्यादा मिल जाता है तो फोन पकड़ने में थोड़ा सा स्लिम और कंफर्टेबल लगता है एज कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro। बाकी देखा जाए तो डिजाइन में आपको कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मटेरियल की बात करें तो दोस्तों, आपको इन दोनों फोन्स के टॉप में मिल जाती है 2.5D कर्व्ड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। पीछे की साइड को है मेटल प्लस प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर मटेरियल वाइज भी दोनों फोन लगभग सेम है। डायमेंशन में ये दोनों फोन लगभग सिमिलर हैं। दोनों फोन की लेंथ है 15.8 सेंटीमीटर, विड्थ है 7.54 सेंटीमीटर। थिकनेस में दोस्तों Redmi Note 6 Pro थोड़ा सा मोटा है, 8.3 mm इसकी थिकनेस है, जबकि Redmi Note 5 Pro 8.1 mm थिक है। वेट में दोस्तों Redmi Note 5 Pro थोड़ा सा हल्का है, 181 ग्राम इसका वेट है, जबकि Redmi Note 6 Pro 182 ग्राम का आता है। तो यहाँ पर दोस्तों डिज़ाइन में लगभग ये दोनों फ़ोन सिमिलर हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर आपको Redmi Note 6 Pro में नॉच मिल रही है और बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। आइए आप डिस्प्ले को देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको इन दोनों फोन्स में डिस्प्ले में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। Redmi Note 5 Pro के अंदर है 5.99 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, 18:9 की एक्सपेक्ट रेशो है, 77.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, जबकि Redmi Note 6 Pro के अंदर है 6.26 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, 19:9 की एक्सपेक्ट रेशो है और 81% स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में Xiaomi का Redmi Note 6 Pro बेटर है एज कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro, और साथ में दोस्तों आपको इस फोन में नॉच भी मिल रही है। आइए अब चिपसेट को देखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों फोन्स में आपको मिल जाता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 636 चिपसेट, जो कि Cairo 260 आर्किटेक्चर पर चलने वाला एक ऑक्टाकोर सीपीयू है। मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की। एड्रिनो 509 जीपीयू है। तो यहाँ पर चिपसेट में दोनों ही फोन लगभग बराबर हैं। आइए अब चलते हैं वेरिएंट और कलर पर। तो यहाँ पर वेरिएंट और कलर भी इन दोनों फोन्स का सेम है। आपको दोनों ही फोन 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज और 6GB की रैम, 64GB की स्टोरेज में मिल जाते हैं। दोनों ही फोन्स की प्राइसिंग भी बिल्कुल सेम है। 4GB रैम वाला आपको मिल जाता है 13,999 रुपीज़ में, और 6GB रैम वाला मिल जाता है 15,999 रुपीज़ में। तो यहाँ पर वेरिएंट और कलर्स में ये दोनों फोन बिल्कुल सेम है। आइए अब चलते हैं सेंसर्स पर। तो यहाँ पर दोस्तों, इन दोनों फोन्स पर आपको लगभग बिल्कुल सेम सेंसर मिल जाते हैं। अगर आप सेंसर बॉक्स पर देखते हो तो एक्सेलेरोमीटर है, लाइट है, ओरिएंटेशन है, प्रॉक्सिमिटी है, जायरो है, साउंड है, मैग्नेटिक है, क्या नहीं है, टेम्परेचर और प्रेशर, जो कि कॉमनली आपको मोबाइल फोन्स में देखने को नहीं मिलता है। दोनों फोन्स पर आपको वाईफाई का ड्यूअल बैंड मिल जाएगा, साथ में सेम ब्लूटूथ है, सेम GPS है, सेम IR है, सेम FM है, सेम माइक्रो USB पोर्ट है। तो यहाँ पर सेंसर वाइज ये दोनों फोन्स बिल्कुल सेम है। आइए अब चलते हैं बैटरी और चार्जिंग टेक्निक पर। तो यहाँ पर बैटरी और चार्जिंग टेक्निक में ये दोनों फोन्स अगेन सेम है। दोनों फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है और दोनों फोन क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0 को सपोर्ट करते हैं। तो बैटरी और चार्जिंग टेक्निक में भी ये दोनों फोन सेम है। आइए अब देखते हैं SCR को। तो यहाँ पर SCR है Redmi Note 5 Pro का 1.188 वाट पर kg और Redmi Note 6 Pro का 1.048 वाट पर kg। तो यहाँ पर SCR में Redmi Note 6 Pro बेटर है एज कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro। UI और Android वर्जन की बात करें तो दोस्तों, दोनों फोन इस समय सेम UI MIUI 10 पर हैं और दोनों पर Oreo 8.1 है। कैमरा की बात करें तो दोस्तों, दोनों फोन में आपको रियर साइड में बिल्कुल सेम सेंसर्स मिल जाएंगे। दोनों ही फोन में है 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। यहाँ पर अपर्चर और पिक्सल साइज में डिफरेंस है।
Redmi Note 5 Pro के अंदर है f2.2 अपर्चर वाला मेन सेंसर, 1.25 माइक्रोन पिक्सल साइज है, जबकि Redmi Note 6 Pro के अंदर है f1.9 अपर्चर और 1.4 माइक्रोन का पिक्सल साइज। और दोस्तों Redmi Note 6 Pro ड्यूअल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस को सपोर्ट करता है। सेकेंडरी कैमरा के अपर्चर में भी यहाँ पर डिफरेंस है, आपको Redmi Note 5 Pro के अंदर मिल जाता है f2.0 अपर्चर, जबकि Redmi 6 Pro के अंदर है f2.2 अपर्चर। तो यहाँ पर रियर कैमरा Note 6 Pro में ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ अपर्चर एंड पिक्सल साइज। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है मेन डिफरेंस, यहाँ पर मेन कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, f2.0 अपर्चर है, 0.9 माइक्रोन पिक्सल साइज है, और इसमें आपको 4-in-1 सुपर पिक्सल मिल जाएंगे, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, f2.2 अपर्चर है, 1.75 माइक्रोन पिक्सल साइज है, जबकि Redmi Note 5 Pro के अंदर है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, f2.2 अपर्चर है, 1 माइक्रोन पिक्सल साइज है, और साथ में है LED फ्लैश। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरे में Xiaomi का Redmi Note 6 Pro ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro। आइए दोस्तों अब रियल टाइम में देख लेते हैं कि इन दोनों फोन्स के कैमरा कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो Redmi Note 6 Pro का कैमरा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro। यहाँ पर आपको बेटर पिक्चर क्वालिटी मिल रही है, कलर्स भी काफी अच्छे हैं, और यहाँ पर जो एक्सपोजर है वो भी काफी अच्छा हो रहा है। तो नो डाउट Redmi Note 6 Pro का कैमरा ज्यादा बेटर है। आइए एक बार पोर्ट्रेट मोड को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में भी Xiaomi का Redmi Note 6 Pro बेटर है एज कम्पेयर टू Note 5 Pro। लो लाइटिंग की बात करें तो अगेन Note 6 Pro ज्यादा बेटर कर रहा है एज कम्पेयर टू Note 5 Pro, आपको ज्यादा डिटेल दे रहा है, कलर्स भी दे रहा है। यहाँ पर आपको सैंपल्स दिख लीजिए जो कि मैंने इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरे से खींचे हैं। अगेन यहाँ पर Redmi Note 6 Pro का फ्रंट कैमरा ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro, ज्यादा डिटेल मिल रही है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में Xiaomi Redmi Note 6 Pro का फ्रंट कैमरा ज्यादा बेटर वे से परफॉर्म कर रहा है, आपको ज्यादा अच्छे से बुके दे रहा है। लो लाइटिंग की बात करें तो अगेन Xiaomi Redmi Note 6 Pro का फ्रंट कैमरा बेटर परफॉर्म कर रहा है और काफी अच्छे से कलर्स और डिटेल्स को दिखा रहा है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में Redmi Note 6 Pro बेटर है एज कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro। आइए अब चलते हैं परफॉर्मेंस पर। तो यहाँ पर इन दोनों फोन्स पर आपको बिल्कुल सेम चिपसेट मिल रहा है, सेम सेंसर्स हैं, सेम मेमोरी ऑप्शन है, तो ये दोनों फोन्स परफॉर्मेंस में लगभग बराबर हैं। आइए फिर भी स्कोर्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों फोन्स पर Antutu देख रहा हूँ, देख सकते हो दोनों फोन्स Antutu में बिल्कुल सेम स्कोर कर रहे हैं, अराउंड 1,15,000। तो परफॉर्मेंस में ये दोनों फोन लगभग बराबर हैं। आइए रियल टाइम में परफॉर्मेंस को टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों फोन्स पर एक टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि दोनों फोन्स पर टास्क सबसे पहले किस पर कंप्लीट होता है। आइए मैं टास्क को स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोनों फोन्स अब जुड़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले टास्क किस फोन पर कंप्लीट होता है, और इसी के बाद एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन परफॉर्मेंस में बेटर है। तो थोड़ा सा मार्जिनली Redmi Note 6 Pro ने बेटर किया है एज कम्पेयर टू Redmi Note 5 Pro। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में ये दोनों फोन लगभग बराबर है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों फोन्स में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं समराइज कर लेता हूं। तो यहां पर सबसे पहला डिफरेंस है, Redmi Note 6 Pro में आपको मिलता है बड़ा डिस्प्ले, इस फोन में है 6.26 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले, जबकि इस फोन में है 5.99 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले। तो यहां पर डिस्प्ले बड़ा है और साथ में है नॉच। और दूसरा डिफरेंस मिल रहा है कैमरे में, इस फोन में है ड्यूअल फ्रंट और ड्यूअल रियर कैमरा, जबकि इस फोन में है सिंगल फ्रंट और ड्यूअल रियर कैमरा। बाकी कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर ये फोन एज कम्पेयर टू दिस फोन ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी अच्छा अपर्चर मिल रहा है, काफी बड़े पिक्सल मिल रहे हैं, तो ये कैमरे में आपका ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दिस फोन। बाकी हर मामले में ये दोनों फोन्स बिल्कुल सेम है। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेशन में भेज सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि और लोग भी जान पाए कि इन दोनों फोन्स में क्या डिफरेंस है और 9 महीने में Xiaomi वालों ने आपको क्या नया दिया है। तो मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।